कहानी लूना की जुबानी। मैं फेमस बिलीनियर देव और सिंगर नेहा सेट्टी की प्यारी बेटी लूना हूँ। फेमस होने के बावजूद भी स्कूल में मुझे आउटकास्ट कर दिया गया था। कोई मुझसे बात नहीं करता था, बुली करता था। पूरे एक साल से यह चीज मैं बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि जब पूरे स्कूल के सामने फेमस फुटबॉल टीम के कैप्टन राज ने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने ना कर दिया था। वजह यह रही थी कि मेरी पक्की सहेली रेखा भी राज को पसंद करती थी। अपनी सहेली के लिए मैंने यह कुर्बानी दी थी, पर यह कुर्बानी बेकार गई। एक साल से मैं घुट घुट कर जी रही थी कि तभी मैक्स स्कूल ज्वाइन किया, जब रेखा बहाने से मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया, जहां फॉर्मल कपड़े पहनकर आने थे। रेखा ने मुझे बिकिनी पहनकर आने को कहा था, जिससे पूरे स्कूल के सामने मेरी बेइज्जती हुई। मैं मैक्स के सीने में टूट गई, जिससे मुझे सहारा दिया और अपनी त्रिकोणीय प्रेम कहानी उसे सुनाई। और अब स्कूल में मेरा एक दोस्त था मैक्स। आज पहली बार मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी जब कैंटीन में एक लड़का मुझे बुली करता हुआ नीचे गिरा दिया था। मैं उसी की ड्रिंक लेकर उसके मुंह पर दे मारी और मैक्स का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। कहानी मैक्स की जुबानी। सच में अविश्वास योग्य है, मैं अभी गवाह बना। लूना माथुर उस लड़के को एक सबक सिखाया कि उससे न उलझे। उस लड़के के भाव बेशकीमती थे। वह जितना बेवकूफ था उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ लग रहा था। मैं बाजी लगाकर कह सकता हूँ उसे उम्मीद नहीं थी कि लूना ऐसा करेगी, क्योंकि मुझे खुद भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब लूना आखिरकार रुकी, हम दोनों हॉल के रास्ते बीचों बीच रुक गए और मेरा ध्यान था कि हम दोनों के हाथ जुड़े हुए थे। हाँ, उसने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ था। मैं कह नहीं सकता किससे ज्यादा चौंका कि उसने उस लड़के को सबक सिखाया या मेरा हाथ पकड़ा। उसने अपने हाथों की उंगलियां मेरे हाथों की उंगलियों से अब तक फंसा रखा था। नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रहा। धीरे धीरे वह मुड़ी, उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे मुझे एहसास हो रहा था कि वह खुद को अभी शांत करने की कोशिश कर रही है। जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है, उसने झट से मेरा हाथ छोड़ दिया, जैसे कि मेरा हाथ उसे जला रहा हो। मैं बहक गई थी, उसके गाल लाल हो गए थे। मैंने कहा, इसके बारे में फिक्र मत करो, मुझे बुरा नहीं लगा। वह मेरी तरफ ऐसे देखी जैसे कहीं खो गई हो। तुरंत दूसरी ओर देखा, कहा, मैं यह नहीं कहना चाहती थी। मैंने कैफेटेरिया में उस लड़के के साथ जो किया वह कह रही हूँ। हाँ, सही कह रही है। लगता है मेरी समझदारी कम होती जा रही है जब भी मैं उसके आसपास रहता हूँ। शिट, यह कुछ ऐसी चीज है जो मुझे ठीक करनी होगी। मैंने बका, यह इतना बुरा भी नहीं था जितना तुम सोच रही हो। कुछ मुक्के मारना, टूटा हुआ नाक और होंठों से अगर खून बहता तो और अच्छा होता। लूना मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे वह किसी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, पर मैं यही करता अगर उसने मुझे पहले रोका नहीं होता। और उस बात के लिए मेरे हाथों में खुजली भी हो रही है। पर हाँ, यह सबके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि खून देखकर सबका खाना बिल्कुल बेकार हो जाता। और खाने के बाद से मुझे याद आया, मैंने पूछा, क्या तुम बर्गर खाना पसंद करोगी? उसने अपनी भौं ऊंची कर ली, पूछा, बर्गर? चलो, हमने लंच नहीं किया। उसके जवाब का इंतजार किए बिना मैं पलटा और आगे बढ़ने लगा। मुझे पता था वह मेरे पीछे पीछे आएगी, और जब उसने ऐसा किया तो मैं खुद को रोक नहीं सका, मुस्कुराने लगा। रुको, वह जल्दी जल्दी आकर कहने लगी, इसके बाद स्मिता मैडम का क्लास है और हम उनके क्लास में देर नहीं पहुंच सकते। मैंने भरोसा दिलाया, हम नहीं पहुंचेंगे, उनके आने से पहले ही हम क्लास के अंदर होंगे, और अगर हम देर से भी पहुंचे फिर भी सजा भुगतने को तैयार हूं, क्योंकि भूखे रहने से अच्छा है। यह सुनकर वो मुस्कुराने लगी और मैं सोचने लगा, काश ऐसा ही चहकती रहे। जैसे अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचा, वो मुझे पहले की तरह घूर रही थी। मुझे पता है उसको मोटर बाइक की आदत नहीं है, पर मैं यह बदल दूंगा। मैंने अपनी ब्लैक जैकेट उसे पहना दी, क्योंकि वह हाफ स्लीव पहनी हुई थी और उसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं बाइक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और उसका इंतज़ार करने लगा। जब वह बैठी तो समझ नहीं पा रही थी कि क्या पकड़ेगी, और मैं अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वह मुझे आराम से पकड़ने में भी घबरा रही थी। क्या वह भूल गई कल किस तरह से मुझे पकड़कर मेरी बाहों से लिपटकर वह रो रही थी? जैसे ही मैं बाइक तेज किया, उसने कसकर मुझे पकड़ लिया, और यह सोचकर मैं मुस्कुराने लगा। हम बर्गर खाने लगे। उसने पूछा, बर्गर ही क्यों? मैंने कहा, फास्ट फूड जल्दी सर्व करते हैं
और स्मिता मैडम की क्लास मिस नहीं होगी। मुझे पता है पहले दिन जब मैं तुमसे मिला था तुम जानबूझकर स्मिता मैम के पास देर पहुंची थी धीरे धीरे से चलकर, ताकि कोई स्कूल में यह देख न ले कि तुम किसी लड़के के साथ हो। उसने कहा हाँ मुझे पता है, यह बेवकूफ़ी थी। मैंने पूछा क्या तुम डर रही थी? उसने कहा मुझे डर नहीं लगता था बल्कि चिंता हो रही थी। इस बात का मतलब मैं उससे पूछना चाहता था। उसने मुझसे पूछा तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है चीज़ बर्गर के अलावा? मैंने कहा वेनिला कुकीज़। यह सुनकर वह हंसने लगी। कहानी लूना की जुबानी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कार से बाहर निकली और ध्यानपूर्वक बॉक्स जो मेरे हाथ में था उसे लेकर सामने वाले दो मंजिला घर की ओर देखने लगी। काफ़ी मॉडर्न तरीके से यह घर बना हुआ था। काफ़ी घबराई हुई थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं यह कर रही हूँ। जब बैंक्स ने बताया था कि उसे कुकीज पसंद है, मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं उसे यह तोहफा भेजूँगी। आज जब छुट्टी है मैंने सोचा आज का दिन ही सही रहेगा। मैंने थैंक यू गिफ्ट के तौर पर खुद कुकीज बनाया है। शायद मैं हजारों बार कुकीज बनाई होगी लेकिन आज मैं बार बार मम्मी पापा और आदित्य से पूछ रही थी कि यह कैसा बना है। इससे मेरे डैड और आदित्य को शक हो गया। मैंने कहा मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बना रही हूँ और उससे उन्हें एक झूठा नाम भी बता दिया। हालांकि मेरी माँ संदेहजनक तरीके से मेरे ऊपर मुस्कुरा रही थी जैसे कि मैं किसी लड़के के लिए बनाया है। हालांकि मैं मैक्स से पूछना भूल गई थी कि वह किस तरह की कुकीज़ पसंद करता है। क्या वेनिला कुकीज़ चॉकलेट चिप के साथ सही रहेगा? मैं उम्मीद करती हूँ। मैक्स काफ़ी एक्साइटेड था जब कल रात मैंने उसके घर का पता उससे पूछा था। क्या होगा अगर यह कुकीज अच्छी नहीं बनी होगी तो? मैंने बेल बजाई तो मैक्स के पापा ने दरवाजा खोला। मैंने कहा हेलो मिस्टर कॉपर। उन्होंने कहा तुम लूना होगी, आओ हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा मैं मैक्स से मिलने आई हूँ, क्या वह घर पर है? यह बात निकलते ही मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ लग रही होंगी। मिस्टर कॉपर हंसने लगे जिससे मेरा गाल और लाल हो गया। उसने कहा मुझे क्रिश बुलाओ। घर के अंदर आते ही मैं चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर बिल्कुल अपना सा लग रहा था जबकि मैं पहली बार आई थी। जब मैं क्रिश के साथ लिविंग रूम में आई वहां मुझे एक औरत नजर आई, मुस्कुराती हुई मेरे पास आई, कही हाय लूना और मुझे एक हल्का सा हक किया। मैं मोनिका हूँ, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। जब हम पीछे हटे तो उस औरत की भी हरी आंखें थी, तो मैक्स की आंखें इससे ही मिली है। उसने कहा मैं तुम्हारी माँ को बहुत पसंद करती हूँ, उनके गाने अक्सर सुना करती हूँ, वह कैसी हैं? मैं मुस्कुराकर कही वह ठीक है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी, कितने अच्छे से उन्होंने मेरा स्वागत किया था। कुछ हलचल से हमारा ध्यान सीढ़ी पर पड़े, देखा मैक्स नीचे उतर रहा था। उसने एक ब्लैक निक्कर पहनी थी, बाल बिल्कुल बिखरे थे लेकिन जिस चीज से मैं बिल्कुल चौंक उठी हुआ था वह बिन शर्ट का था। मैंने इतनी जोर से अपना सर घुमाया कि मुझे लगा मेरा गर्दन टूट क्यों नहीं गया। मेरे गाल बिल्कुल लाल हो गए। मैक्स ने कुछ भी नहीं कहा तो मुझे यकीन हुआ कि मैं आऊंगी। उसे पता नहीं था। क्रिश अपने बेटे से पूछा बेटा आज उठ गए? उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैक्स ने कहा आज तो मैं जल्दी उठा। तभी मोनिका ने कहा बेटा अभी लंच का टाइम हो रहा है। पीछे से एक लड़की की आवाज आई, कोई बहुत एक्साइटेड था कि रात भर नहीं सो पाया, आज यहाँ एक लड़की आने वाली है। जब उस लड़की ने आखिरकार मुझे देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कहा लूना आ गई? काफी धीमी आवाज में कहा क्योंकि उसे एहसास हुआ वो मेरे सामने अपने भाई को क्या कह रही थी। फिर मैक्स को देखकर कहने लगी भगवान के लिए जाकर शर्ट पहन लो मैक्स। फिर मेरे पास दौड़कर आ गई, मेरे गले लग गई, कहा आखिरकार लूना मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। मैं मैक्स की बहन शीना हूँ। मैं भी उससे देखकर मुस्कुराई पर मेरा दिमाग कहीं और था। क्या सच में यह रात भर नहीं सो पाया कि मैं आने वाली हूँ? तभी शीना की नज़र मेरे हाथों के बॉक्स पर पड़ी। मैंने कहा दरअसल मैं यह अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। मैं मैक्स के लिए बनाकर लाई थी ताकि वह पूरे परिवार के साथ खाए। मैक्स ने कहा इसे मत खोलना मैं अभी आता हूँ, कहकर वह दौड़ा ताकि शर्ट पहनकर आ सके। हम सब बैठ गए थे और जब तक मोनिका और उसकी बेटी शीना मेरे सामने बैठ गई और वह बॉक्स खोलने लगी, सही समय पर मैक्स भी आ गया। एक हरे रंग का शर्ट पहन कर आया था और जब बॉक्स खुल गया तीनों देखने लगे। सबसे पहले मैक्स एक कुकीज लेकर अपने मुंह में डाला और मैं काफी घबराने लगी, इसे पसंद आया भी या नहीं। तब तक मोनिका मेरी तरफ देखकर पूछने लगी। मैंने सर हिलाया तो उसने भी कुकीज ले ली, मुंह में डालते हुए कहा मुझे बहुत पसंद आई।
चीना भी बिल्कुल खुश हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा यह इतने अच्छे हैं। तब तक क्रिश भी आ गया। कहा, यहाँ पर क्या चल रहा है? मोनिका ने कहा, लूना हमारे लिए कुकीज बनाकर लाई है। क्रिश कुकीज की ओर देखा और फिर मुझसे पूछा। मैंने इशारा किया तो एक कुकीज उसने भी ले लिया। धीरे धीरे सब मिलकर कुकीज खाने लगे और आखिर में थोड़ी ही कुकीज बचे थे। जैसे ही मैं मैक्स की ओर मुड़कर देखी, वहीं जम गई। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर झुंझलाहट नजर आ रही थी। मेरा दिल डूबने लगा और मेरे हाथ में अचानक पसीने आने लगे। मैं तब घबरा गई जब मैक्स अचानक कॉफी के टेबल के ऊपर टूट पड़ा और कुकीज का ढक्कन बंद कर दिया। उसने कहा, बहुत हो गया, बाकी मैं लूंगा। मैं और लूना ऊपर जा रहे हैं अपना होमवर्क करने। हमें असाइनमेंट मिला है, खत्म करना है। मेरा चेहरा उतर गया। कौन सा असाइनमेंट? हमने तो सब पूरा कर लिया है। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैक्स ने मेरा हाथ पकड़कर खींचता हुआ मुझे ऊपर ले जाने लगा। जब मैं मुड़कर देखी तो सीना और मोनिका हंस रहे थे। मैक्स के बेडरूम में पहुंचते ही मैं इधर उधर देखने लगी। उसका बेड काफी बड़ा था। मैक्स ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं नहा कर आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। वह मुझे छोड़कर नहाने चला गया और मैं उसकी किताबें देखने लगी। कमाल की बात यह है कि वह रोमांटिक नॉवल नहीं पढ़ता। मैं उसकी एक तस्वीर देख रही थी। मैक्स अभी नहा रहा था। बहुत शर्मनाक होगा अगर वह मुझे उसके बिन शर्ट की तस्वीर को यूं निहारते हुए देख ले। हॉल के नीचे जब वह मुझे बिना शर्ट के मिला था, उस समय मैं उसके जिस्म को ठीक से देख नहीं पाई थी, पर एक हल्का झलक जो मैंने देखा था मुझे बहुत पसंद आया था। उसकी फोटो फ्रेम अपने चेहरे के बेहद करीब लेकर आई। अब उसका चेहरा और टोन्ड ऐप देखने लगी। मैं उसकी तस्वीर से अपनी आंखें हटा नहीं पा रही थी। तभी आवाज आई, तुम क्या देख रही हो? उसकी आवाज से मैं होश में आई। मैं जल्दी से वह फोटो डेस्क पर रख दी और जैसे ही उसकी ओर मुड़ी, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैं असली मैक्स कॉपर को देखा। दोबारा से बिना शर्ट के मैक्स को देखा। पानी की बूंद उसके बालों और सीने में अभी भी थे। मुझे उसके एब्स साफ साफ नजर आ रहे थे और वह बहुत कड़क थे। मैक्स ने पहले उन तस्वीर को देखा जिसे मैं देख रही थी और रखकर मेरे पास आने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी नखरे की मुस्कुराहट थी। अब मुझे पास से देखने लगा। यह कुछ सही बात नहीं है, तुम क्या कर रही थी? उसने पूछा। मैंने निगला कहा, कुछ नहीं। मैक्स मेरे एक और कदम करीब आ गया। मैं एक कदम पीछे ली। उसने कहा, क्या सच में? मैंने कहा, हाँ, लेकिन मेरी आवाज जैसे निकली कि लगा सांस की कमी हो। वह एक और कदम बढ़ाया और मैं उसके बिस्तर पर आकर वहीं फंस गई। उसकी आंखें मेरी ओर बिल्कुल घेराबंदी हो गए और मैं बिल्कुल मोहित हो गई। उसने हल्का सा धक्का मारा और मैं मैट्रेस के ऊपर गिर गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने मुझे अपने पिंजरे में फंसाया। हर एक सेकंड के साथ उसका चेहरा मेरे और पास आने लगा। मैं उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकती थी। उसके गर्दन से एक पानी की बूंद गिरकर मेरे होंठों पर आ गई। उसकी नजर मेरी आंखों से हटकर मेरे होंठों पर आई और वह पानी की बूंद में उसका स्वाद घुला हुआ था। मैंने देखा उसके गले का मसल्स हिला जैसे कि वो निगला और मैं पूरी कोशिश करने लगी मेरे होंठ में पड़ी पानी की बूंद को मैं अंदर न चूस लूं। हम दोनों एक दूसरे में इतने खो गए थे कि पीछे से आ रही पैरों की आवाज हमें बिल्कुल दूर सुनाई पड़ी। मैक्स, मम्मी पापा ने कहा है कि लूना अपने होमवर्क करने से पहले लंच करना चाहेगी। खाना तैयार है और हम उसे ऐसे भूखे नहीं रख सकते। बात छोटी होकर वहीं पर रुक गई थी जब हमने देखा कि कहां से आवाज आ रही है। देखा, शीना सामने खड़ी थी। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हमें ऐसे पोजीशन में देख लिया। उसने तुरंत कहा, मुझे माफ करना, मुझे शायद ऐसे हालत में नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों। उसने अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया, फिर कहा, मैक्स, तुम्हें दरवाजा लॉक कर देना चाहिए था। जैसी शीना उधर मुड़ी, मैं मैक्स को धक्का देकर उठी और उसके पास गई। कहा, रुको, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग जारी रखो जो कर रहे थे। उफ, मेरी आंखें, कहते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखकर वह चली गई। मैंने कहा, मैक्स, हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा, क्या करना चाहिए? पर उसके चेहरे पर देखकर लग रहा था वह मजा ले रहा है। मैंने कहा, यह गंदा काम। वह मेरे और करीब आ गया, मुझे दीवार से टिका दिया, फिर मुझसे कहा, बताओ कौन सा गंदा काम? मैं तेजी से सांस लेने लगी जब उसका सीना मेरे सीने से बिल्कुल चिपका हुआ था और उसके हाथ मेरे आस पास दीवार बने थे। हे भगवान, यह फिर से हो रहा है। और मैक्स को देखकर लग रहा था कि वह उसके मजे ले रहा है।
मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे नहीं पता था इस सिचुएशन से बचने के लिए और क्या करना चाहिए था। फिर उसने मुझे वॉशरूम का रास्ता बताया। बाद में नीचे चलकर मैं और शीना बैठकर पियानो बजाए। हम दोनों बहुत मजे में थे, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मैक्स की नज़रें पूरे टाइम मेरे ऊपर ही टिकी हुई है। मैं अपने स्कूल के लाइब्रेरी में कुछ किताबें वापस करने दूसरे मंजिल में चढ़ी थी, जहाँ 10वीं क्लास के क्लासरूम भी थे, और मैक्स की फैमिली के बारे में सोचने लगी कि वह कितने अच्छे हैं। इससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जब मैं 12वीं क्लास के पास पहुंची, तो मेरे पैर वहीं पर थम गया। मैं रेखा को सोनिया से बात करते हुए देखा। मेरी किताबों में पकड़ मजबूत हो गई। मैंने सोचा जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ, लेकिन तभी देखा रेखा अपने आंसुओं को पोंछ रही है। अब मैं क्या करूँ, वह जरूर मुझसे नफरत करता होगा, उसने सोनिया से कहा। सोनिया उसे हक करके उसकी पीठ थपथपाया, उसको शांत करने के लिए कहने लगी, मैक्स अभी तक उसे नहीं जानता, वह अभी नया आया है, इसलिए शायद वह तुमसे जो कहा उसका मतलब वह ना हो। अब रेखा भी सोनिया को हक करने लगी, कहने लगी मुझे नहीं पता लूना ने उसे क्या कहा होगा, जरूर मेरे बारे में गलत बातें बता दी होगी, जरूर उसने झूठ कहा होगा, कहकर रोने लगी। यह सुनकर मेरा खून गर्म होने लगा, लेकिन यह अच्छी बात है कि मेरे अंदर गुस्सा पैदा हो रहा था, क्योंकि मेरा दिल अब रेखा के लिए कोई जज्बात नहीं थे। यह लड़की बस एक जहरीला सांप है। अब तो मुझे यह लगता भी नहीं है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी। उसके मुंह से जो भी शब्द निकल रहे थे वो जहर थे। दुख की बात यह थी कि लाइब्रेरी में जाने का और कोई रास्ता नहीं था, बल्कि उनके सामने से गुजरना पड़ेगा। जब मैं वहां से गुजरने लगी, सोनिया की आवाज़ मेरे कानों में आई, अरे लुनेटिक, तुम खुश तो हो ना कि एक और लड़के को अपने जाल में फंसा लिया। मेरा जबरा टाइट हो गया, पर इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह मेरे बारे में सिर्फ खराब चीजें ही बोलेगी, क्योंकि मैंने अफवाह सुनी थी सोनिया और राज अपने रिश्ते के शुरुआती दौर पर झगड़ा करते थे, क्योंकि राज की पहली पसंद मैं थी और सोनिया को इसलिए चुना था क्योंकि मैंने उसे ना कर दिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह ऐसा सोचती होगी कि वह राज की दूसरी पसंद है। उसकी बात को अनसुना करके मैं लाइब्रेरी की ओर जाने लगी, लेकिन तभी उसकी आवाज आई, तुम भी ऐसे ही गंदी औरत हो जैसी तुम्हारी माँ है। और अब मैं वहाँ पर रुक गई। पीछे से रेखा उसकी बातों को सुन रही थी, जैसे कि मजे ले रही हो। सोनिया ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम स्पेशल हो, क्योंकि तुम्हारी माँ सेलिब्रिटी है, उसके आवाज में नफरत थी। उसने कहा, सुपरस्टार, वह तो पूरे देश की वेश्या है, जैसे माँ वैसी उसकी बेटी। मैं उसके आमने सामने आकर फुफकारी, क्या कहा तुमने। उसने कहा, क्या मैं अपने आप को दोहराऊं, तुम्हारी माँ एक गंदी औरत है, एक बेश्या है, तुम्हारे पापा एक बेवकूफ है जो उनके चाल में फंस गए, जो चाल तुम राज और मैक्स पर चलती हो। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, मैं उसके कंधे को पकड़कर उसे पीछे धकलने लगी। मैंने कहा, अपनी बात को वापस लो। उसने मुझे पकड़ के तेज धक्का दिया, कहा, तुम होती कौन हो मुझसे ऐसी बात करने वाली, तुम पूरे स्कूल के लिए एक मजाक हो, एक बेकार लड़की हो, सबके लिए परेशानी हो। इस बार उसने मुझे पूरी ताकत के साथ धक्का दिया। इससे पहले कि मुझे एहसास होता कि क्या हो रहा है, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, मेरा शरीर हवा में गिरने लगा, मेरा शरीर कांप उठा। जब मुझे एहसास हुआ मैं सीढ़ियों से नीचे गिर रही हूँ, मेरे आंखें बड़े बड़े हो गए इस एहसास से कि मैं दर्द का सामना करने वाली हूँ। जैसे ही मैंने सिर हिलाया, मैंने देखा मुझे गिरने से राज ने बचा लिया। मैंने एक चैन की सांस छोड़ी, पर राज की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि यह मैं हूँ। एक सेकंड के लिए उसने मुझे पकड़ा जरूर था, पर अगले ही सेकंड मुझे लगा कि मैं दोबारा से गिर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राज मुझे इतना नफरत न करता है। मेरे दिल में दर्द उठने लगा, से पहले कि डर मुझे निकल ले, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि अब समय आ गया था, पर मैं जमीन पर नहीं गिरी। मेरा सर और कंधा किसी से टकराया, मुझे गर्मी का एहसास होने लगा जब उसने मुझे अपनी बाहों में थाम लिया और मुझे खड़े होने में मदद करने लगा। मैं जानना नहीं चाहती थी वह इंसान कौन है। एक्स ने मेरे कंधे को पकड़ा और मुझे अपनी ओर मोड़ा, उसके चेहरे में एक पैनिक और गुस्सा नजर आ रहा था। मैं उसकी आंखों में देखने लगी और मेरे आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। क्या तुम ठीक हो, उसने पूछा।
अब मैं खुद को रोक न सकी। मेरे होंठ कांपने लगे जब मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरे आंसू नीचे गालों में टपकने लगे थे। उसने मुझे कसकर अपने बाहों में भर लिया और कहा, ओ गॉड। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अभी अभी मुझे हमेशा के लिए खो देता। लेकिन जब उसने मुझे छोड़ा, उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी, उसके जबड़े बिल्कुल टाइट थे और किसी को मारने की दृष्टि से वह ऊपर देखने लगा। तुमने ऐसा क्यों किया राज? मैक्स की आवाज़ गूंजने लगी, जिससे मैं भी उसके साथ साथ सीढ़ियों में चढ़ने लगी। तुम्हें एहसास भी है तुमने अभी क्या किया? तुमने लूना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैक्स उसे झाड़ने लगा। जब तक मैं ऊपर पहुंची, मैंने देखा राज सोनिया को लेकर जाने लगा। मैक्स की बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया। मैक्स अपनी मुट्ठियों को भींच रखा था। दूसरी ओर देखा, रेखा मैक्स को देख रही थी। वह खुश नहीं थी। उसने अपने होठों को एक लाइन बना ली थी। राज, मैक्स ने दहाड़ा। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। जब राज मुड़कर मैक्स की आंखों में देखा तो वो कातिलाना नजर आई। मैक्स ने उसे एक जोरदार घूंसा जमाया और सोनिया ने यह देखकर आवाज करते हुए अपने हाथों को अपने मुंह पर रखा। उसने मैक्स पर वापस से हमला किया और घूंसे से उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया। अब वहाँ खुसुर फुसुर होने लगी। जब दो लड़कों को सबने लड़ते हुए देखा, मेरा दिल डूबने लगा। जब मैंने मैक्स के होठों में खून देखा, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मैक्स के साथ कुछ बुरा हो। लेकिन मैक्स दोबारा से उसकी ओर झपटा और एक मुक्के से उसे जमीन पर गिरा दिया। मैक्स राज की ओर देखते हुए गुस्से से चीखा, कितने पाखंडी हो तुम। तुमने उसकी कभी परवाह नहीं की, जबकि तुम खुद उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं नहीं चाहती थी मैक्स के साथ मेरी वजह से कुछ बुरा हो, क्योंकि वह राज से लड़ रहा था। पर राज ने बस उपहास किया, बेकार की बातें बंद करो, यह बस एक बाजी थी। राज के मुंह से निकले शब्द मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे याद आने लगा जब वह मुझे अपना स्नेह दिखाया करता था, दिखाता था कि मेरी कितनी केयर करता है। नखरे की मुस्कान के साथ राज ने कहा, वह फेमस थी, मैं तो बस उसका स्वाद, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता। राज के चेहरे पर एक और घूंसा पड़ा। मैक्स उससे भी नहीं रुका, उसके चेहरे पर एक के बाद एक घूंसा मारने लगा। मैंने मैक्स को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वह खुद पर से काबू खो बैठा था। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मैक्स प्लीज रुक जाओ। पर मैं वहीं की वहीं लगा जम गई हूँ और दूसरे लड़के उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, क्या अंजाम होगा इस मारपीट का? क्या यह मारपीट लूना और मैक्स को और करीब ले आएंगे? मैक्स, जो लूना के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, क्या यही प्यार है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी के पिछले सारे एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।